एक हफ्ता गुजर गया लेकिन स्त्री 2 का जलवा लगातार बॉक्स ऑफिस पर बरकरार है और कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव की इस फिल्म ने कमाई के मामले में कई फिल्मों को मात दे डाली है। अब श्रद्धा कपूर की स्त्री 2 ने सनी देओल की गदर 2 को भी इस मामले में पछाड़ दिया है। ऐसे में अपनी फिल्म के रिकॉर्ड को धूल चाटते हुए देख सनी देओल ने भी अपना रिएक्शन दे डाला है। तो आइए जानते हैं कि स्त्री 2 ने गदर 2 का कौन सा रिकॉर्ड चटकाया है और सनी देओल ने फिल्म को लेकर क्या कुछ कहा है। बता दें कि स्त्री 2 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जोड़कर देखा जाए तो अब तक फिल्म ने भारत में 290.85 करोड़ का शानदार कलेक्शन कर लिया है। साइकनेल के रिपोर्ट की माने तो स्त्री 2 ने वर्ल्ड वाइड 400 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। 15 अगस्त को रिलीज हुई मैडॉग फिल्म्स और जियो स्टूडियोज की हॉरर कॉमेडी स्त्री 2 ने बॉक्स ऑफिस पर पहले हफ्ते में 8 दिनों तक शानदार परफॉर्म करके दिखाया। कम बजट को ध्यान में रखते हुए स्त्री 2 को भारत की बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों की लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। दूसरे थर्सडे को 16 करोड़ की कमाई करने के साथ ही स्त्री 2 हिंदी में अब तक की चौथी फिल्म बन गई है जिसने कमाई के मामले में सबसे बड़ा हफ्ता अपने नाम करके सबको चौंका दिया है। इस लिस्ट में पहले नंबर पर बिगेस्ट वीक हासिल करने वाले फिल्म पठान है, दूसरे नंबर पर जवान, तीसरे नंबर पर रणबीर कपूर की एनिमल, पहले चौथे नंबर पर सनी देओल की गदर 2 का नाम था लेकिन स्त्री 2 ने उनसे ये जगह छीन ली है और अब स्त्री 2 चौथे नंबर पर है और गदर 2 पांचवें नंबर पर खिसक गई है। ऐसे में सनी देओल ने स्त्री 2 के बम्पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई देखने के बाद स्त्री 2 की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने लिखा कि स्त्री 2 की टीम को बधाई बॉक्स ऑफिस पर जोरदार मॉनसून लाने के लिए, आपने फिल्म एग्जीबिटर्स को खुश कर दिया है, ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। अब ऐसे में डे बाय डे सारे नए पुराने टूटते रिकॉर्ड्स को देखने के बाद से उम्मीद की जा रही है कि इस वीकेंड पर श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव की फिल्म स्त्री 2 500 करोड़ के क्लब में भी शामिल हो जाएगी। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को एंड यस डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।